हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग द आर्ट मैन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पोर्ट्रेट ड्राइंग में ब्लर बैकग्राउंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले चारकोल पाउडर बना रहा हूँ सैंड पेपर पे। मैं जनरल्स की चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 4B और 6B चारकोल पेंसिल। आप चाहो तो कैमलिन की चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। और मैं यहाँ पे अब जैसे 2 रुपीज़ का कॉइन ले रहा हूँ, उसके चारों ओर आपको करना क्या है, राउंड ब्रश से चारकोल पाउडर को जो आपने लिया है उससे आप इजीली ड्रॉ करते जाइए चारों ओर। अब आपको पता है कि जहाँ जहाँ पे जैसे कॉइन यूज़ करें वहाँ वहाँ से ये वहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो कैसे आपको इजीली राउंड सर्कल मिल रहे हैं। यहाँ पे हाफ सर्कल है क्योंकि जहाँ जहाँ पे सर्कल्स हैं मैं वहाँ वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आपको बस ऐसे ही बनाते जाना है। अगर थोड़े जैसे लार्ज सर्कल्स है ब्लर बैकग्राउंड में तो आप जैसे मैं यहाँ पे आयोडेक्स बाम यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो कोई बैंगल्स भी यूज़ कर सकते हो, अब आपके अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल लगता है। मेरे को उस टाइम पे ये मिली तो मैंने इसको काम में लिया, आयोडेक्स बाम को। तो जैसे कि मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिए, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बीच बीच में पाउडर भी लेते रहना है जो चारकोल पाउडर आपने बनाया है। आप चाहो तो ग्रेफाइट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब आपको जहाँ जहाँ पे थोड़ा डार्क है वहाँ वहाँ पे डार्क यूज़ करना है, और जहाँ जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट। सर्कल्स के चारों ओर आपको भी आपको थोड़ी सी डार्कनेस जैसा जैसे जैसे आपको पोर्ट्रेट में दिखे वैसे बनानी है। और जहाँ जहाँ पे देखो मेरे को जहाँ पे वापस लग रहा है तो मैं वापस देखो कि जैसे कॉइन यूज़ करके और ज़्यादा उसके ऊपर डार्कनेस साइड में ऐसे कर रहा हूँ उसको डिफाइन करने के लिए सर्कल को। तो दोस्तों, आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी अब इसकी कि आपको करना क्या है। आपको सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, उसके बाद आपको डार्कनेस यूज़ करनी है। जैसे जहाँ जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे एक्स्ट्रा डार्कनेस ऐड करनी है। मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, आपने देखा फ्लैट ब्रश तब यूज़ कर रहा हूँ जैसे साइड में आपने जैसे और ज़्यादा मेरे को सर्कल्स को डिफाइन करना है कॉइन यूज़ करके। तब सबसे पहले आप अगर पोर्ट्रेट ड्राइंग में बैकग्राउंड है तो सबसे पहले बैकग्राउंड को ही बनाइए, बाद में बनाइए पोर्ट्रेट को। जैसे पहले पोर्ट्रेट बनाते जाइए ऊपर से नीचे चलते हैं, तो फिर बाद में आप पोर्ट्रेट को बनाइए। इससे आपको क्या है पहले से अंदाज़ा रहेगा, क्योंकि पोर्ट्रेट में भी अलग डार्कनेस होती है और ब्लर बैकग्राउंड में भी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं अब यहाँ पे सर्कल्स के चारों ओर जैसे थोड़ा सा हाइलाइटेड पार्ट था तो मैं यहाँ पे टोम्बो मोनो जीरो इरेजर से और ज़्यादा जैसे सर्कल्स ऐसे और ज़्यादा डेप्थ में दिखे इसलिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको क्या हाइलाइटेड पार्ट के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, पोर्ट्रेट में हो सकता है। अगर पोर्ट्रेट में आपके है बारीकी से देखोगे तब पता चलेगा कि हाँ होता है ऐसा, ताकि वो सर्कल्स और ज़्यादा ऐसे दिखे, रियलिस्टिक दिखे। और ये थोड़ा बहुत ब्लरनेस के लिए भी होता है। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ग्रेफाइट स्टिक काम में ले रहा हूँ लास्ट में फाइनल टच के लिए। ग्रेफाइट क्या है, ब्लर बैकग्राउंड में स्मूथनेस बहुत अच्छी क्रिएट करता है, इसलिए मैं यहाँ पे
2B की ग्रेफाइट स्टिक यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो भी ग्रेफाइट स्टिक है या फिर आप पेंसिल से भी ग्रेफाइट पाउडर बना सकते हो इजीली। तो बस अब आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ पे आपने ड्रॉ किया है वहाँ वहाँ पे यूज़ करते जाइए ग्रेफाइट पाउडर। इतना ग्रेफाइट पाउडर बस स्मूथनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, सर्कल्स के चारों ओर यूज़ करूँगा और जहाँ जहाँ पे डार्क पार्ट है वहाँ पे, ताकि ये बहुत ज़्यादा ये जो ब्लर बैकग्राउंड क्या होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लरनेस दिखनी चाहिए उसमें। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू सून।